नमस्ते बच्चों, मैं पिंकी गांधी फ्रॉम लयाल पब्लिक स्कूल। आज की कक्षा में हम करने वाले हैं हिंदी प्रथम का पाठ 9, फल खाएं सेहत बनाएं। जैसे कि हमें चित्र में दिखाया गया है कि कुछ बच्चे यहाँ पर हैं जो कि फल खा रहे हैं। फल खाना हमारे प्रतिदिन के जीवन में बहुत ही आवश्यक होता है, लेकिन हम आजकल क्या करते हैं, ज्यादातर जंक फूड खाते हैं, फल फ्रूट वगैरह नहीं खाते हैं। इससे क्या होता है, हमें बहुत सी बीमारियां होती है। इस अध्याय में हमें यही बताया गया है कि मानव जीवन में फलों की उपयोगिता क्या है और फलों को अपने खान पान में शामिल करना चाहिए। और आजकल फलों को ताजा दिखाने के लिए उस पर तेल एवं अन्य पदार्थ लगाए जाते हैं। फलों को समय से पहले पकाने के लिए सेहत के लिए नुकसानदायक रसायन के प्रयोग की खबरें भी सुनाई पड़ती हैं। ऐसे में क्या हमें फलों को खाना छोड़ देना चाहिए? सोचिए और बताइए। आजकल क्या करते हैं, टाइम से पहले ही कुछ फ्रूट्स को पकने के लिए क्या करते हैं, उनमें इंजेक्शन वगैरह का प्रयोग कर लेते हैं या फिर कुछ ऐसी खादे डाली जाती हैं जिससे कि जल्दी जल्दी फल उग जाएं, बड़े हो जाएं या फिर उनका रंग बहुत अच्छा आए। कुछ इस तरीके के रसायन पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं। तो इन सब के प्रयोग करने के बाद क्या हमें फलों को खाना छोड़ देना चाहिए? यही सब बातें हमें इस अध्याय में बताई गई है। अध्याय को शुरू करने से पहले हम इसके शब्दार्थ को देख लेते हैं। स्वस्थ यानी कि सेहतमंद, पुष्ट यानी कि मजबूत, स्वास्थ्य वर्धक यानी कि स्वास्थ्य में वृद्धि करने वाला, बढ़ाने वाला, दोष विकार पाचक पाचन में मदद करने वाला, उपयोगी यानी कि महत्वपूर्ण, मस्तिष्क यानी दिमाग, शक्ति ताकत। चलते हैं हम अध्याय की ओर। अध्याय में हमें बताया है सेहत और फलों का बहुत ही गहरा संबंध है। अगर हम अपनी सेहत को सोचे और इसके साथ में फल फ्रूट खाते रहे, अच्छे अच्छे फल खाएं, तो हमारी जो सेहत है हमेशा अच्छी बनी रहेगी। अगर हम चाहते हैं कि हम स्वस्थ रहें, ठीक रहें और हमारा शरीर पुष्ट बने, मजबूत बने, तो हमें प्रतिदिन रसीले और स्वास्थ्यवर्धक, हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखने वाला, स्वास्थ्य बढ़ाने वाला फलों का सेवन करना चाहिए। प्राचीन काल में ऋषि मुनि, जो पुराने जमाने में ऋषि मुनि हुआ करते थे, वो कंदमूल एवं फल खाकर ही एक लंबा व स्वस्थ जीवन जिया करते थे। आपने सुना होगा जो पहले जमाने के ऋषि मुनि होते थे, उन्हें कोई बीमारी भी नहीं होती थी और वे काफी सालों तक जिंदा भी रहते थे। आजकल हमें तरह तरह की बीमारियां भी होती हैं और बहुत कम आयु में ही हम अपने जीवन को पूरा कर लेते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम अपना खान पान अच्छा नहीं रखते हैं। फलों को रोग निवारक माना जाता है। फलों ऐसा माना जाता है कि जो फल है वो अपने रोगों को दूर करते हैं। फलों में शरीर को पुष्ट बनाने के लिए कई पौष्टिक पदार्थ होते हैं। फलों में हमारे शरीर को मजबूत बनाने के लिए कई पौष्टिक यानी कि अच्छे अच्छे पदार्थ होते हैं। मीठा अनार खाने से शरीर के कई दोष दूर हो जाते हैं। अगर हम मीठा मीठा अनार खाएंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर में कई ऐसी बीमारियां हैं जो दूर हो जाएंगी। पपीता पाचक और खून बढ़ाने वाला होता है। अंगूर भूख न लगने पर इसे बढ़ाने में बहुत उपयोगी होता है। अगर हम अंगूर खाएंगे तो हमें अगर भूख नहीं लगती है तो वो भी बहुत अच्छी लगने लगेगी। सेब मस्तिष्क और नसों को शक्ति प्रदान करता है। और सेब क्या करता है, हमारे दिमाग को, हमारी नसों की जो शक्ति है, नसों को जो शक्ति है वो प्रदान करता है। सेब के बारे में तो कहा जाता है कि रोजाना एक सेब खाने से डॉक्टर को दूर रखा जा सकता है। और अमरूद तो इतना गुणकारी होता है कि कहीं कहीं तो इसे अमृत फल भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त आंवला, नींबू, संतरा, मौसमी, शरीफा, आम, केला, आलू पखारा, चीकू, बेल, बेर, फालसा, लीची, शहतूत, नाशपति, खजूर आदि ऐसे फल हैं जो किसी न किसी रूप में हमारी सेहत के लिए लाभकारी होते हैं। फलों को वैसे तो कभी भी खाया जा सकता है, किंतु विशेषकर हमें कब खाना चाहिए, उन्हें सुबह और शाम के समय आराम के साथ इनका सेवन करना और भी उपयोगी माना जाता है। कब खाना चाहिए हमें, या तो हमें सुबह खाना चाहिए या फिर शाम को।
हमें मौसमी फल अवश्य खाने चाहिए, जो भी मौसम के अनुसार फल आ रहे हैं वो हमें जरूर खाने चाहिए, क्योंकि ये फल मौसम के अनुकूल होते हैं, मौसम के अनुसार ढलने वाले होते हैं। अगर सर्दी में जो फल आ रहे हैं तो हमें सर्दी में खाने चाहिए, क्योंकि वो हमारे मौसम के अनुकूल ही है। ऐसा नहीं है कि जो फल सर्दी में आ रहे हैं तो उन्हें खाने से हमें सर्दी लग जाएगी, नहीं, बस इतना करना चाहिए कि जो भी फल है वो गर्म होने चाहिए। आम गर्मियों का प्रमुख फल माना जाता है, ये फलों का राजा कहलाता है। इसे कच्चे व पके दोनों रूपों में खाया जा सकता है। कच्चे आम से क्या बनता है पता है आप सबको? कच्चे आम का पन्ना पीने से लू व गर्मी नहीं सताती है। कच्चे आम की यानी कि कैरी का जो पानी बनाया जाता है, अगर हम वो पिए तो जो गर्मी है, लू है, वो हमें नहीं लगेगी। इसके अलावा गर्मी में क्या क्या आता है? खरबूजा, तरबूज, आलू बखारा, लीची, आड़ू आदि फल शरीर में पानी की कमी नहीं होने देते। अगर हम ये सारे फल खाएंगे ना तो गर्मी में वैसे भी हमें बहुत पानी की जरूरत होती है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है, और हमारे शरीर में पानी की कमी नहीं हो, अगर हम ये सब सारे फल खाएंगे तो हमारे शरीर में पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं होगी। जामुन बरसात होते ही पकने लगते हैं, इनके सेवन से पेट की बीमारियां दूर होती है। माना जाता है कि जामुन और जामुन का सिरका बहुत से रोगों में काम आता है। क्या माना जाता है कि अगर हम जामुन को खाएंगे तो हमें पेट की बीमारियां भी नहीं होंगी, और अगर जामुन और जामुन का जो सिरका होता है वो खाएंगे तो बहुत से रोगों में हमारी जो है मदद हो जाएगी। सर्दियों के फलों में, अब हमें यहाँ पे सर्दियों के फलों के बारे में बता रखा है, कौन कौन से फल आते हैं सर्दियों में सबको पता होगा, है ना? अभी सर्दियां ही चल रही है तो अभी क्या क्या फल आ रहे हैं बाजार में? संतरा, मौसमी, अनार, अमरूद, आंवला, रसभरी, अंजीर, चकोतरा, बेर, सेब आदि होते हैं। केला जो है सर्दियों में बहुतायत में होता है। वैसे तो हम सभी फल 12 महीनों बाजार में उपलब्ध होते हैं। वैसे तो आजकल क्या होता है, जो सारे फल है हर मौसम में आते हैं, चाहे गर्मी है चाहे सर्दी है, किंतु मौसम के समय इनका सेवन विशेष लाभ देता है। खजूर एक ऐसा फल है जिसके सेवन से हमारा पाचन अच्छा होता है, हड्डियां मजबूत होती है, और यह त्वचा को भी ताजगी देता है। आपको पता था क्या कि अगर हम खजूर खाएंगे तो कितने फायदेमंद होंगे हमारे लिए, कि हमारा पाचन जो है, डाइजेशन सिस्टम है वो भी अच्छा चलेगा, और हमारी जो हड्डियां है वो भी मजबूत होंगी, और यह त्वचा को भी ताजगी देता है। इसमें कोई शक नहीं है कि फलों का नियमित रूप से सेवन जहां हमारी सेहत को अच्छा रखता है, वहीं हमारे शरीर को भी पुष्ट बनाता है। बड़े दुख की बात है कि फलों की इतनी उपयोगिता को देखते हुए भी आज लोग क्या करते हैं, हम क्या करते हैं, जंक फूड को ही अधिक पसंद करते हैं, तभी तरह तरह के रोग भी हमें हो जाते हैं। अतः अगर स्वस्थ जीवन व्यतीत करना है तो हमें क्या करना होगा, अगर हमें सेहतमंद रहना है तो क्या करना होगा, हमें हर हाल में रोजाना फल खाने की आदत डालनी पड़ेगी। तो आप सबको भी क्या प्रॉमिस करना है कि रोज आप मौसमी फल खाओगे, एक फल कोई भी आप चूज कर लो, अलग अलग फल आपको रोज खाने हैं। कुछ दिन आप क्या खाओगे, उसके बाद आप क्या खाओगे, रोज प्रतिदिन अगर आप फल खाने की आदत रखोगे तो आप जो है बीमारियों से दूर रहोगे। चलिए इसकी बुक एक्सरसाइज को करते हैं। बुक एक्सरसाइज में हमारे पास प्रश्न है, मौखिक प्रश्न, प्राचीन काल में कौन कंदमूल एवं फल खाया करते थे? कौन खाते थे? ऋषि मुनि। फल पौष्टिक पदार्थों से भरे होने के कारण शरीर को कैसा बनाते हैं? कैसा बनाते हैं? अगर हम रोज फल खाएंगे तो पुष्ट बनाएंगे, यानी कि मजबूत बनाएंगे। मीठे अनार की क्या उपयोगिता है? शरीर के कई दोषों को दूर कर देता है। और आम किस मौसम का फल है, कब आता है आम? गर्मियों का। आज लोग किस तरह के खाद्य पदार्थ पसंद करने लगे हैं, कैसे कैसा खाना पसंद करते हैं, आप लोग कैसा खाना पसंद करते हो? ये है जंक फूड। आप सब और हम सब क्या पसंद करते हैं? ज्यादातर जंक फूड पसंद करते हैं। तो हमें क्या नहीं खाना चाहिए? जंक फूड नहीं खाना चाहिए। रिक्त स्थान, डैश पाचक और खून बढ़ाने वाला होता है, कौन? पपीता। अमरूद तो इतना गुणकारी है कि कहीं कहीं तो इसे अमृत फल भी कहा जाता है। हमें डैश फल अवश्य खाने चाहिए क्योंकि ये फल मौसम के अनुकूल होते हैं।
हमें डैश फल अवश्य खाने चाहिए। कैसे फल? मौसमी फल अवश्य खाने चाहिए, ये फल मौसम के अनुकूल होते हैं। कच्चे आम का पन्ना पीने से क्या नहीं होता? लू वे गर्मी नहीं सताती है। सही वे गलत को हम अपनी कॉपी पार्ट में क्लियर करेंगे और एक शब्द और वाक्य और दो तीन वाक्यों के प्रश्न उत्तर को भी हम कॉपी पार्ट में क्लियर करेंगे। आगे है हमारे पास भाषा और व्याकरण में उदाहरण के अनुसार श, श और स से बने शब्द पाठ से छाट कर लिखने हैं। तो हम श से लिखेंगे सहतूत शक्ति, श से ऋषि विशेष, और स से सेहत और सेब। प्रश्न दो है बिंदी चंद्रबिंदु और नुक्ति के प्रयोग वाले दो दो शब्द पाठ से छाट कर लिखने हैं। तो हमने लिखा है संतरा अंजीर, और चंद्रबिंदु से लिखा है अंगूर आंवला, और नुक्ते से लिखा है शरीफा और तरबूज। आगे है हमारे पास पाठ में इसी के सामने विशेषण विशेष्य वाले शब्दों को छाट कर लिखना है। अब हमारे सामने क्या है? संज्ञा यानी नाम वाले शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को तो हम विशेषण कहते हैं, लेकिन जिस शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के रूप में बताती हूँ, सुंदर दृश्य, तो सुंदर क्या है? विशेषण है। और दृश्य क्या है? विशेष्य। यहाँ किसकी विशेषता बताई जा रही है? दृश्य की। उसी तरह हमें लिखना है विशेषण और विशेष्य रसीले आम, मीठा अनार, तो किसके बारे में बताया जा रहा है? आम और अनार के बारे में। बारह महीने, ये हो गया है बच्चों हमारी बुक एक्सरसाइज। अब आपको क्या करना है, अपनी बुक में इसे नीट एंड क्लीन राइटिंग में कंप्लीट करना है और अपने अपने सब्जेक्टिव टीचर्स के पास इसको सेंड करना है। आज की मैं मेरी कक्षा यही समाप्त कर रही हूँ। धन्यवाद।